हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रमिला, प्रमिला की रेसिपी में आपका स्वागत है। तो चलिए प्रमिला की रेसिपी में। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बर्गर खाने के शौकीन हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार लजीज टेस्टी यमी बर्गर। और इस बर्गर का नाम है ऑमलेट बर्गर। फ्रेंड्स, ऑमलेट बर्गर ऐसा ही नहीं है, जब आप रेसिपी को कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा फ्रेंड हमारा कितना शानदार बर्गर है। तो चलिए जल्दी से फटाफट आज की इस रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, तो ये ले लिए हमने दो अंडे, इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून अनियन पाउडर। आप चाहें तो यहाँ अनियन बारीक बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये हम एकदम स्मूथ बनाएंगे इसीलिए हमने यहाँ पर यह पाउडर का इस्तेमाल किया है। 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1/4 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून मिक्स हर्ब, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। यहाँ हम 1 पिंच डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इन सबको बढ़िया से मिक्स कर लो। ले ले एक पैन, फ्राई पैन ले ले, उसमें डाले 1 स्पून ऑयल। इसको अच्छे से फैला लेते हैं और गरम कर लेते हैं। अब ये आ गया हमारा अंडे वाला बैटर। गैस की फ्लेम को हम लो फ्लेम पे रखेंगे एकदम। इसी तरह से हमें लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। देखिए धीरे धीरे से कुक होने लगा है, चाहे तो आप इसको कवर भी कर सकते हैं। उसकी साइड को हम कर देते हैं चेंज। बढ़िया से कुक हो गया है, लाल सा एकदम, ये फैंटास्टिक। अब इस पे जाएगा टमाटो केचप। नीचे से हमें कुक नहीं करना है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया, एकदम लाजवाब हमारा ऑमलेट बर्गर बनकर तैयार होगा। बहुत इजी है, जब भी आपका मन करे फटाफट से बनाएं। इस पे जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बनाइए, एकदम लाजवाब बनता है, बिल्कुल ऐसे ही बनाइए। थोड़ी सी ग्रीन चिली टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको हम कर लेना है फोल्ड, और दूसरा पैन रखेंगे हम। इसको अच्छे से हमने ये फोल्ड कर लिया है और इसको बिल्कुल इस तरह से पराठे की तरह ये आ गया एकदम। इसको निकाल लिया हमने एक प्लेट में। अब अपने बर्गर बन सेक लेते हैं हम। हमने यही पैन ले लिया है और इसमें डाल देते हैं 1 स्पून बटर, और अपने बर्गर बन को हम इसमें से घी में सेक लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं। बहुत ही लाजवाब टेस्टी बर्गर, बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स आपको। साइड को चेंज कर दिया है हमने, और दूसरी साइड से भी इसी तरह से बढ़िया से गर्म गर्म हम बर्गर बन को सेक लेते हैं। ये आ गई हमारी शेजवान चटनी। बहुत ही बढ़िया से स्प्रेड करना है अपने बर्गर बन में। ये लीजिए शेजवान चटनी हो गई तैयार। अब आगे हमें क्रीमी मिंट वेज मेयोनीज बन रहा ना फ्रेंड्स, बाहर से भी ज्यादा लाजवाब। बाहर वाले बर्गर में इतना टेस्ट कहाँ होता है। बस आप घर में ऐसे ऐसे बर्गर बनाइए और लाजवाब टेस्ट के साथ में एंजॉय कीजिए। अब ये आ गया हमारा इसमें 2 अंडे का ऑमलेट, टमाटो स्लाइस, लवली लवली अनियन, माय फेवरेट अनियन, थोड़ा सा हरा धनिया, खूबसूरती टेस्टी यमी। अब ये मेयोनीज और आ गई है इसको लाजवाब बनाने के लिए। खाएंगे तो मुंह में क्या रस लगेगा एकदम। अब थोड़ा सा टमाटो केचप और फ्रेंड्स इस पे। वाह क्या बात है, लग रहा है ना शानदार एकदम, आ रहा है ना मुंह में सलाइवा फ्रेंड्स। अब ये आ गया हमारा फाइनली बर्गर बन ऊपर, तो कितना लाजवाब लगा फ्रेंड्स। तो आपको ये जरूर पसंद आया होगा हमारा ऑमलेट बर्गर फ्रेंड्स। और पसंद आए तो क्या करना है आपको, इतने समझदार तो है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी फ्रेंड्स। तो फिर से मिलेंगे आपको न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। और ऐसी मजेदार टेस्टी न्यू रेसिपी के लिए आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।